शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय दो, शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय दो। और हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, मेरा सिंह यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है, मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया, क्योंकि मैंने तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूं। यहोवा के तुल्य कौन पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई नहीं है, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं। फूलकर अहंकार की ओर बातें मत करो, और अंधेर की बातें तुम्हारे मुंह से न निकले, क्योंकि यहोवा ज्ञानी परमेश्वर है और कामों का तौलने वाला है। शूरवीरों के धनुष टूट गए और ठोकर खाने वालों की कटी में बल का फेटा कसा गया। जो पेट भरते थे उन्हें रोटी के लिए मजदूरी करनी पड़ी, जो भूखे थे वे फिर ऐसे न रहे, वरन जो बांझ थी उसके साथ हुए, और अनेक बालकों की माता घुलती जाती है। यहोवा मारता है और जिलाता भी है, वही अधोलोक में उतारता और उसमें से निकालता भी है। यहोवा निर्धन करता है और धनी भी बनाता है, वही नीचा करता है और ऊंचा भी करता है। वह कंगाल को धूली में से उठाता और दरिद्र को धूरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए और महिमायुक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए, क्योंकि पृथ्वी के खंभे यहोवा के हैं और उसने उन पर जगत को धरा है। वह अपने भक्तों के पांव को संभाले रहेगा, परंतु दुष्ट अंधियारे में चुपचाप पड़े रहेंगे, क्योंकि कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल न होगा। जो यहोवा से झगड़ते हैं वे चकनाचूर होंगे, वह उसके विरुद्ध आकाश में गरजेगा। यहोवा पृथ्वी की छोर तक न्याय करेगा और अपने राजा को बल देगा और अपने अभिषिक्त के सिंह को ऊंचा करेगा। तब एलकाना रामा को अपने घर चला गया, और वह बालक एली याजक के सामने यहोवा की सेवा टहल करने लगा। एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को न पहचाना, और याजकों की रीति लोगों के साथ यह थी कि जब कोई मनुष्य मेलबलि चढ़ाता था, तब याजक का सेवक मांस पकाने के समय एक त्रिशूली कांटा हाथ में लिए हुए आकर उसे कढ़ाई व हंडी व हंडे व तसले के भीतर डालता था, और जितना मांस कांटे में लग जाता था उतना मांस याजक आप लेता था। यूं ही वे शिलो में सारे इसराइलियों से किया करते थे जो वहां आते थे, और चर्बी जलाने से पहले भी याजक का सेवक आकर मेलबलि चढ़ाने वाले से कहता था कि कबाब के लिए याजक को मांस दे, वह तुझसे पका हुआ नहीं कच्चा ही मांस लेगा। और जब कोई उससे कहता कि निश्चय चर्बी अभी जलाई जाएगी, तब जितना तेरी जी चाहे उतना ले लेना, तब वह कहता था नहीं अभी दे, नहीं तो मैं छीन लूंगा। इसलिए जब उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ, क्योंकि वे मनुष्य यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे। परंतु शमूएल जो बालक था सनी का एपोद पहने हुए यहोवा के सामने सेवा टहल किया करता था, और उसकी माता प्रतिवर्ष उसके लिए एक छोटा सा बागा बनाकर जब अपने पति के संग प्रतिवर्ष की मेलबलि चढ़ाने आती थी, तब बागे को उसके पास लाया करती थी। और एली ने एलकाना और उसकी पत्नी को आशीर्वाद देकर कहा, यहोवा इस अर्पण किए हुए बालक की संति जो उसको अर्पण किया गया है तुझको इस पत्नी से वंश दे। तब वे अपने घर चले गए, और यहोवा ने हन्ना की सुधि ली, और वह गर्भवती हुई, और उसके तीन बेटे और दो बेटियां उत्पन्न हुई, और शमूएल बालक यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। और एली तो अति बूढ़ा हो गया था, और उसने सुना कि मेरे पुत्र सारे इसराइल से कैसा कैसा व्यवहार करते हैं, वरन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते हैं। तब उसने उनसे कहा, तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो,
मैं तो इन सब लोगों से तुम्हारे कुकर्मों की चर्चा सुना आ रहा हूं। हे मेरे बेटो, ऐसा न करो, क्योंकि जो समाचार मेरे सुनने में आता है वह अच्छा नहीं। तुम तो यहोवा की प्रजा के अपराधी हो, तुम यहोवा की प्रजा से अपराध करते हो। यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे तब तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा, परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे तो उसके लिए कौन विनती करेगा? तो भी उन्होंने अपने पिता की बात न मानी, क्योंकि यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने की थी। परंतु शमूएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे। और परमेश्वर का एक जन एली के पास जाकर उससे कहने लगा, यहोवा यो कहता है कि जब तेरे मूल पुरुष का घराना मिस्र में फिरौन के घराने के वश में था, तब क्या मैं उस पर निश्चित प्रकट न हुआ था? और क्या मैंने उसे इस्राएल के सब गोत्रों में से इसलिए चुन नहीं लिया था कि मेरा याजक होकर मेरी वेदी के ऊपर चढ़ावे चढ़ाए और धूप जलाए और मेरे सामने एपोद पहना करे? और क्या मैंने तेरे मूल पुरुष के घराने को इस्राएलियों के कुल हव्य न दिए थे? इसलिए मेरे मेल बलि और अन्न बलि जितने मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है, उन्हें तुम लोग क्यों पावतले रौनते हो? और तू क्यों अपने पुत्रों का आदर मेरे आदर से अधिक करता है कि तुम लोग मेरी इस्राएली प्रजा की अच्छी से अच्छी भेंटे खाखा के मोटे हो जाओ? इसलिए इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की वाणी यह है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। सुन, वे दिन आते हैं कि मैं तेरा भुजबल और तेरे मूल पुरुष के घराने का भुजबल ऐसा तोड़ डालूंगा कि तेरे घराने में कोई बूढ़ा होने न पाएगा। इस्राएल का कितना ही कल्याण क्यों न हो, तो भी तुझे मेरे धाम का दुख देख पड़ेगा और तेरे घराने में कोई कभी बूढ़ा न होने पाएगा। मैं तेरे कुल के सब किसी से तो अपनी वेदी की सेवा न छीनूंगा, परंतु तब भी तेरी आंखें देखती रह जाएगी और तेरा मन शोकित होगा और तेरे घर की बढ़ती सब अपनी पूरी जवानी ही में मर मिटेंगी। और मेरी इस बात का चिन्ह वह विपत्ति होगी जो होपनी और पिनहास नाम तेरे दोनों पुत्रों पर पड़ेगी, अर्थात वे दोनों के दोनों एक ही दिन मर जाएंगे, और मैं अपने लिए एक विश्वास योग्य याजक ठहराऊंगा जो मेरे हृदय और मन की इच्छा के अनुसार किया करेगा, और मैं उसका घर बसाऊंगा और स्थिर करूंगा, और वह मेरे अभिषिक्त के आगे आगे सब दिन चला फिरा करेगा। और ऐसा होगा कि जो कोई तेरे घराने में बचा रहेगा वह उसी के पास जाकर एक छोटे से टुकड़े चांदी के व एक रोटी के लिए दंडवत करके कहेगा, याजक के किसी काम में मुझे लगा जिससे मुझे एक टुकड़ा रोटी मिले।